सबसे बड़ी खबर शाहरुख खान की फिल्म जवान पठान का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। बॉलीवुड अदाकारा शाहरुख खान की फिल्म जवान आज सुबह भारत के तमाम सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रही है। मौसूला इतला के मुताबिक इस फिल्म की नुमाइश सुबह 5 बजे से शुरू हो जाएगी। फिल्म के टिकट फरोख्त करने वाली कंपनी बिग माई शो ने कहा है कि अब तक वो इस फिल्म के 5 लाख टिकट फरोख्त कर चुकी है। पहले दिन कुल 10 लाख टिकट फरोख्त किए जा सकते हैं, जिनमें से 2 लाख टिकट ऑलरेडी बिक्री हो चुके हैं। 5 लाख PVR आइनॉक्स इसके साथ जुमरात के लिए टिकट भी खरीदे गए हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार बिजली ने PVR आइनॉक्स ने कहा है कि ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है और इब्तदाई अंदाजों से पता चलता है कि वह पठान से भी बड़ा रिकॉर्ड बना सकती है। लोग कह रहे हैं कि पहले दिन 65 से 70 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है, जो पठान के पहले दिन की कमाई से कहीं ज्यादा है। याद रहे कि पठान के पहले दिन की कमाई 55 करोड़ रुपए थी। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि जवान की कमाई पहले दिन पठान से ज्यादा होगी। पठान शाहरुख खान की सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली फिल्मों में से एक है, जिसने दुनिया भर में 150 करोड़ रुपए कमाए। फिल्मों के कारोबार पर नजर रखने वाले माहिर कोमल नाटा बिजली के इस अंदाज से मुत्तफिक नजर आ रही हैं। नाटा का कहना है कि मुल्क भर में सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्स तक काफी जोश और खरोश देखा जा रहा है। ऐसे में ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितनी कमाई होगी, लेकिन हिंदुस्तान में जवान की कमाई कम अज कम 70 करोड़ पार कर सकती है। दूसरी जानिब जुनूबी भारत में फिल्मों के कारोबार पर नजर रखने वाले तजियाकार रमेश बाला का कहना है कि फिल्म के एडवांस बुकिंग को देखते हुए फिल्मों के जुनूबी भारत में पहले दिन 20 से 25 करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है और 70 से पूरे हिंदुस्तान में 75 करोड़ रुपए की कमाई होने जा रही है जवान फिल्म से। और इस तरह फिर से एक बार शाहरुख खान का धूम पूरे हिंदुस्तान में मचने जा रहा है। क्या वादा हूं,